तो नमस्कार भारत, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है हमें कि हमें जब यूट्यूब चैनल का नाम चूज करना होता है तो नाम चूज कैसे करें। ये उतना भी डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, लेकिन मैं सोचा रहा था कि एक सुझाव आपको दे दे कि नाम चूज कैसे करें, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो बेसिकली होता ये है कि जैसे कि आप देखते हैं, जैसे टेक्निकल गुरुजी ने नाम बनाया तो उन्हीं के नाम का सभी नाम बनाना शुरू कर देते हैं, टेक्निकल ये, टेक्निकल वो, टेक्निकल इधर, टेक्निकल उधर। और इसीलिए आप टेक्निकल शब्द जो है सो अगर आप यूट्यूब पे टाइप कीजिएगा तो उससे रिलेटेड बहुत सारा जो है सो मतलब जो है सो नाम आना शुरू हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे कहने का मतलब क्या है। मैंने ये यूट्यूब खोल लिया, अभी खुल जाएगा यूट्यूब। ये मैंने YouTube खोल लिया है। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आप किसी भी नाम, जैसे टेक्निकल गुरुजी, TECHICH, टेक्निकल गुरुजी आ गया। अब मैं सॉर्ट करता हूँ यहाँ पे सिर्फ चैनल के लिए, और अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारा चैनल आ रहा है, टेक्निकल गुरुजी ये भी है, टेक्निकल गुरुजी भी है, टेक्निकल गुरुजी भी है, टेक्निकल गुरुजी भी है। तो टेक्निकल नाम से बहुत सारा वर्ड है। तो कहने का मतलब, अगर आप टेक्निकल नाम से अगर कोई बनाएंगे क्या कहते हैं मतलब चैनल, तो आपका जो है सो वीडियो मतलब चैनल रैंक नहीं करेगा, आपका चैनल सबसे ऊपर में नहीं आएगा। तो ऊपर में लाने के लिए ही आपको जो है सो ऐसा नाम चूज करना चाहिए जो नाम पहले है ही नहीं, कहीं पर कोई यूज ही नहीं किया हो। और इसका सबसे आसान तरीका है कि आप अपना दो शब्दों का नाम यूज कीजिए, जैसे कि जो है सो टेक्निकल गुरुजी ने दो शब्दों का नाम यूज़ किया, टेक्निकल और पहला टेक्निकल और दूसरा गुरुजी। और उस समय इस नाम का कोई था ही नहीं, अब धीरे धीरे बन गया है, लेकिन जिस समय टेक्निकल गुरुजी ने ये नाम चूज किया था उस समय टेक्निकल गुरुजी के अलावा कोई था ही नहीं। तो उसी तरीके से अगर आपको अपने नाम अपने चैनल को सबसे ऊपर में लाना है तो जो है सो इसी तरीके से आपको कोई यूनिक नाम चूज करना होगा। अब यूनिक नाम कैसे चूज करें, तो यूनिक नाम चूज करने का सबसे आसान तरीका जो है लगा है हमको कि आपका जो नाम है उसी आपका जो नाम है जैसे रजत कुमार, सुरेश कुमार ऐसे करके होगा, तो रजत और सुरेश को मिला दीजिए, कुमार को हटा दीजिए तो रजत सुरेश कर दीजिए। तो इस नाम का उम्मीद करते हैं कोई नहीं होगा। जैसे मेरा नाम है उत्सव निशांत, मेरा नाम ना उत्सव है, अगर उत्सव सर्च करेंगे जैसे कि उत्सव सर्च करेंगे उत्सव नाम से बहुत सारे चैनल आ जाएंगे, आपको हम दिखा देते हैं। उत्सव नाम से उत्सव टेकी है, उत्सव मार्टोलिया है, उत्सव है उत्सव मार्टोलिया टू है, उत्सव एल्बम है, कल्चर उत्सव है, बहुत सारा आ गया। तो ऐसे में आपको जो है सो रैंक करना मुश्किल हो जाता है आपके यूट्यूब चैनल को। और दूसरा, अगर निशान टाइप करेंगे तो निशांत तनवार आया पहले, क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है। लेकिन अगर सिर्फ चैनल देखा जाए तो निशांत, निशांत पंद्यूल, शॉर्ट बाय निशांत, एन स्टार निशांत, बहुत सारा चैनल है। तो बी एम मी निशांत का चैनल जो है सबसे ऊपर में नहीं है और ना कभी आएगा, जब तक कि उनका सब्सक्राइबर इनके सब्सक्राइबर से, जो निशांत तनवर है उनके सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो नहीं जाता है। तो इसलिए ऐसा नाम चूज कीजिए जो कि यूनिक हो। तो उत्सव में भी बहुत सारा है और निशांत में भी बहुत सारा है, लेकिन उसको मिला देने से उत्सव निशांत हो जाएगा, उत्सव निशांत हो जाएगा। और उत्सव निशांत से सिर्फ एक चैनल है, वो है मेरा चैनल। तो देख सकते हैं उत्सव निशांत का ये चैनल जो है ये मेरा चैनल है और ये सबसे फर्स्ट में आया है, क्योंकि मेरा जबकि मेरे पास उतना सब्सक्राइबर भी नहीं है फिर भी ये फर्स्ट में है क्योंकि मेरा नाम यूनिक है। तो हमेशा यूनिक नाम चूज करें, मैं यही बताना चाह रहा था आपको। और यूनिक नाम चूज करने से यही होगा कि आपको अगर आप जब यूज़र नेम यहाँ क्या कहते हैं, अब जब आप अपना यू अति क्या कहते हैं यूआरएल शॉर्ट ना सॉरी क्या बोल रहे हैं उसको आपको बता ही देते हैं मेरे कहने का क्या मतलब है। अभी हम आपको खोल के दिखा देते हैं मेरे कहने का मतलब क्या है। ये क्रिएटर स्टूडियो खुल गया,
आप चैनल खोल लिए। हाँ ये रहा, जब आपको कस्टम यूआरएल बनाना होगा, कस्टम यूआरएल क्या होता है ये आपको जानना है तो मेरे पास ऑलरेडी एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं उसकी कस्टम यूआरएल पे। और अगर आपको पता नहीं है फ़िलहाल तो कस्टम यूआरएल बता दें कि कस्टम यूआरएल ऐसा यूआरएल होता है जो कि आपके चैनल में आपका जो है सो यूनिक आइडेंटिटी बताता है, आपके चैनल का जो है सो नाम होता है कस्टम यूआरएल एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये कस्टम यूआरएल चूज करने में भी यूनिक नाम जो है सो ज़रूरी होता है, अगर आपका जो है सो यूनिक नाम नहीं होगा तो कस्टम यूआरएल में जो है सो आपका चैनल का नाम कुछ और होगा और आपका जो है सो कस्टम यूआरएल कुछ और डालना पड़ जाएगा। और ये एक जो है सो मुश्किल वाला बात है, ये गलत बात है। मेरा चैनल का भी नाम उत्सव निशांत है क्योंकि यूनिक है इसलिए, और मेरा जो है सो कस्टम यूआरएल भी यूनिक है। और इसी तरीके से आपको यूज़र नेम मतलब कोई भी जो है सो जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ट्विटर हो गया, इस सब का जो है सो यूज़र नेम चूज करने में आपको जो है सो साथ मतलब आसानी होगा अगर आपके पास क्या कहते हैं मतलब यूनिक नाम होगा। तो यूनिक नाम होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इसलिए आप ऐसा नाम चूज करें जो नाम है ही नहीं कहीं पे। तो यही हम आपको बताना चाह रहे थे, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और अगर आप टेक टेक करके कोई भी चूज कीजिएगा तो उसके उससे पहले ही जो है सो उस नाम से पहले ही कोई ना कोई चैनल बना होगा। तो ज़रूरी है कि आप जो है सो अपने नाम से यूज करें, दो नामों को जोड़ दें इंडिया में जो है भारत में जो नाम है जिससे आयुष और कोई भी और नाम है रितेश, तो आयुष रितेश को मिला दें और एक नया चैनल बन जाएगा आपके। आप ही के घर में कोई और दो आदमी है तो दोनों का नाम मिला दें और उससे चैनल बना दें, तो इससे जो है सो उस नाम का कोई और चैनल होगा ही नहीं। और इसलिए जो है सो ये आपके जो है सो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए आगे चलकर। तो जो है सो यही एक बताना चाह रहे थे, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।